गीता का ज्ञान शाश्वत नहीं चलता, केवल कलयुग में ही प्राप्त होता है। विषय पर विचार गोष्ठी के साथ संस्था के मुख्यालय में चल रहे 5 दिवसीय अखिल भारतीय गीता महासम्मेलन का समापन हो गया। समापन सत्र से पूर्व आयोजित विचार गोष्ठी में चर्चा करने के लिए वैज्ञानिक एवं अभियंता प्रभाग के अध्यक्ष बीके मोहन सिंघल, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर शिवराम गंगोपाध्याय जी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा और मुंबई की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शोभा मंच पर उपस्थित रहे। इस सत्र को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य ये रहा कि लोगों को यह स्पष्ट हो सके कि गीता के भगवान ने गीता ज्ञान किस युग में दिया था और उसके बाद क्या हुआ, जिस पर वक्ताओं ने अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए। भगवान जो होते हैं सर्वधर्म मान्य होते हैं, सर्वोच्च सत्ता वाले होते हैं, सर्वोपरि होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, अनंत होते हैं। अगर ये जो फॉर्मूला बनाया गया, इसके द्वारा किसी देवात्माओं में भगवान शब्द को हम पुट कर सकते हैं, जर सोचा जाए। किसी मनुष्यात्मा में भगवान शब्द को रख सकते हैं, सोचा जाए। सोच के विचार किया जाए कि देवात्माओं को भगवान बोलने, ये मेरी गलती है या सही है, स्वयं संग विचार करेंगे। सारे धर्म ग्लानी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। गरुड़ पुराण में जो लक्षण बताए गए हैं वो सारे इस समय दिखाई दे रहे हैं। कौन से लक्षण है जो नहीं दिखाई दे रहे हैं? और हम उसी ब्रह्म में रहे कि अभी लाखों साल पड़े हैं, तो क्या कहेंगे हम अपने बच्चों को, क्या शिक्षा देंगे आने वाली जनरेशन को, क्या शिक्षा देंगे? इसलिए आवश्यकता है इसके ऊपर विचार विमर्श करने की। लक्षण को देख करके तो हम समझे कि हाँ, अभी कलयुग लाखों साल चलने वाली स्थिति में नहीं है। तो ईश्वरी विश्वविद्यालय मोटे तौर पर एक बात कहता है कि संसार की सभी समस्याओं का कारण ये मुख्य 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। देखने में तो ये आध्यात्मिक विषय लगता हो, लेकिन देखा जाए तो वास्तव में इन्हीं के कारण ही संसार की सभी समस्याएं, चाहे ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, जितने भी प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं वो इन्हीं कारण से हैं। तो आज आवश्यकता ये है कि हम स्थूल साधनों के साथ साथ यदि इनके ऊपर भी ध्यान दें, मनुष्य के चरित्र के ऊपर, और इन कारणों को किसी तरह इसका हम संतोषजनक उत्तर अपने जीवन में उतार सकें, तो मैं समझता हूँ अवश्य ही हम आज की जो विश्व की मुख्य समस्याएं हैं उन पर हम सफलता पा सकेंगे। शुद्ध शाकाहारी, शुद्ध सात्विक बनाने का काम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ने न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में किया है। हमने भगवान से प्रार्थना किया, धन्य हो प्रभु जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी को अखंड विश्व में कायम करने का काम आपने किया है, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके पश्चात इस अखिल भारतीय गीता महासम्मेलन के समापन सत्र में कई गीता प्रेमी बुद्धिजीवियों ने अपने अनुभव सभी के साथ साझा किए। साथ ही साथ संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रजमोहन भाई जी, गीता विशेषज्ञ बीके त्रिनाथ, धार्मिक प्रभाग के कार्यकारी सदस्य बीके नारायण ने भी कई महत्वपूर्ण संदेश दिए। जो राजयोग है, जो कि आसानी से इस संदेश को, गीता के संदेश को क्लिष्ट न करके आसान रूप में जन जन तक पहुंचा रहा है, उसकी जो लोकप्रियता है, उसकी प्रसिद्धि है, और उसका जो वे ऑफ, जिसे कहते हैं मॉडस ऑपरेंडी है, उसमें प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का कोई जवाब नहीं है। देहधारियों को एक ही जन्म का ज्ञान ही रहेगा, केवल परमात्मा सृष्टि चक्र का बाहर रहने से उनको सृष्टि चक्र का सारा सत्य त्रेता द्वापर कली सारी चक्र का ज्ञान एक परमात्मा को ही है, वही इसमें स्पष्ट किया 10वां अध्याय 32वें श्लोक में। आपने इतनी तपस्या किया, इतने अनुयायी बनाए हैं देश में विदेश में, अब स्वयं अनुभूति करके अपना समझ के सिर्फ भगवान के ज्ञान को फैलाएंगे तो ये कार्य जल्दी सफल होगा।